तो पुप्पू के कमरे से आई है। क्या करती अम्मी, अगर आपको प्यास लगी थी तो मुझे आवाज दे देती, फोन आपके बराबर में रखा हुआ, एक कॉल कर देती, मैं आ जाता। अगर कांच आपको लग जाता तो क्या हुआ पुप्पू? मुझे बहुत जोर की प्यास लगी थी, सोचा आधी रात तुम्हें परेशान ना करूं, खुद ही पी लेती हूँ। अम्मी अगर कोई काम खुद से नहीं होता तो करती क्यों है? सारे पुप्पो से कैसे बात करे, तुम हटो यहाँ से, हटो। आप ठीक है, आपको लगी तो नहीं? आप रुके, मैं आपके लिए पानी ले आती हूँ। सॉरी अम्मी, अपना ख्याल रखा करें। अगर कांच आपको लग जाता या उठाते हुए आप गिर जाती तो नुकसान तो आप ही को होता ना। देखिए मोबाइल आपके बराबर में रखा हुआ है, किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल कर दीजिएगा, मैं फौरन आ जाऊंगा। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं पुप्पू के साथ रहूंगी, उन्हें किसी भी चीज की जरूरत होगी तो मैं देख लूंगी। हाँ ये मुनासिब रहेगा, मुझे भी तसल्ली होगी, वैसे भी मेरे बाजू और टांग में बहुत दर्द है। पुप्पू अगर आप कहें तो पट्टी खोल के दोबारा से जल कर दूंगी, आराम आ जाएगा शायद। हाँ बेटा। सारे तुम भी जाकर सोचो, सुबह ऑफिस जाना है ना, मैं यहीं हूँ पुप्पू के पास, मैं देख लूंगी। मैं रज़िया को भेजता हूँ, वो सफाई कर देती है। एक मिनट रुको।